हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है बालों को सीधा करने का आसान घरेलू उपाय। बालों को घर बैठकर आसानी से आप घरेलू टिप से स्ट्रेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लंबे सीधे और आकर्षक बाल किसे नहीं चाहिए। अगर आप बाल सीधे हों तो बहुत ही आकर्षक सुंदर दिखते हैं, लेकिन अगर बाल सीधे नहीं हों तो वो उलझे हुए फिजी से नजर आते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो मार्केट में बाल सीधा करने के बहुत से प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और बाल ब्यूटी पार्लर में भी स्ट्रेट करवाए जा सकते हैं, लेकिन इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से बालों को कितना नुकसान होता है ये तो हम सब जानते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बालों को स्ट्रेट करने का आसान सा घरेलू नुस्खा बताएंगे, जिससे आप बिना किसी साइड इफेक्ट से अपने बालों को सीधा और चमकदार बना सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए बालों को आप घर बैठकर आसानी से कैसे स्ट्रेट कर सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। नारियल का, सबसे पहले आपको नारियल का दूध निकालने के लिए आप एक नारियल लीजिए और फिर उसके ऊपर का पूरा हिस्सा चाकू से छीलकर अलग कर दीजिए। फिर इस नारियल के टुकड़े करके मिक्सचर में पीस लीजिए और पेस्ट बना लें। इसमें आवश्यकता अनुसार पानी भी मिला सकते हैं। फिर इसको छलनी से छान लीजिए और नारियल का दूध जो है वो तैयार हो गया है। इससे इस तरह करने से नारियल का दूध जो है वो निकल जाएगा। फिर एक कटोरी में 5 से 6 चम्मच मकई के आटे में नींबू का रस मिलाइए और इसका मिश्रण बना लीजिए। ध्यान रहे कि इसमें गाँठे ना पड़े, इसीलिए इसमें चम्मच से अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब नारियल के दूध को एक बर्तन में गैस पर गर्म होने के लिए रख दें। फिर इसमें आटे और नींबू का मिश्रण अच्छी तरह से मिलाइए और फिर इसमें 3 से 4 चम्मच बादाम का तेल मिलाइए। फिर इस मिश्रण को पकाइए और लगातार चलाते रहें ताकि इस मिश्रण में गाँठे ना पड़े। कुछ ही देर में ये मिश्रण गाढ़ा हो जाएगा तो गैस बंद कर दीजिए। फिर इसको लगभग आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए आप इसे रख सकते हैं। जब ये मिश्रण ठंडा हो जाए तो बालों में कंघी करके इस मिश्रण को बालों जड़ों से सिर के तरफ लगाइए। इसके बाद मोटे दांतों वाली कंघी से एक बार फिर बालों को मुलायम और दोबारा कंघी करते रहें और ये मिश्रण दोबारा अपने बालों में लगाते जाएं। इसको लगाते हुए अपने बालों को सीधा करते जाना है, आपने कंघी करते जाना है। इसको लगाने के कुछ देर बाद आपको धो लीजिए, अपने सिर को, अपने बालों को धो लीजिए। आपके बाल बिल्कुल सीधे हो जाएंगे और बादाम के तेल से चमकदार भी हो जाएंगे। मुल्तानी मिट्टी के इस्तेमाल से भी अपने बाल सीधे, स्वस्थ और मजबूत हो जाएंगे। इस प्रयोग के लिए आप एक मुल्तानी मिट्टी ले लें, एक कप में मुल्तानी मिट्टी लें। इसमें 5 चम्मच चावल का आटा मिला लीजिए और फिर इसमें एक अंडा भी मिला लें और इन चीज़ों को अच्छी तरह से आप मिलाकर एक पेस्ट बना लें। फिर एक मोटे दांतों वाली कंघी लेकर अपने बालों को अच्छी तरह से सुलझा लीजिए। फिर अपने बालों में से इस मिश्रण को लगाइए। इसको लगाते वक्त आपको अपने बालों को सीधा करते जाना है। ये पेस्ट अपने बालों में करीब 45 मिनट से 1 घंटे के लिए लगा रहने दीजिए। फिर बालों को अच्छी तरह से धो लीजिए। ये बात ध्यान रखें कि जब भी आप इसका प्रयोग करें उससे एक रात पहले अपने बालों को अच्छी तरह से तेल की मालिश करके उनको वॉश कर लीजिए। ये प्रयोग आपको 2 या 3 दिन के लिए अंतराल पर करना है। इससे आपके बाल सीधे होने लगेंगे और मजबूत भी बनेंगे, सिल्की शाइनिंग भी होंगे। दोस्तों, ये थे टिप्स। बालों को घर पर बैठकर आप आसानी से इन्हें स्ट्रेट कर सकते हैं ईजली वे से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय, हैव अ नाइस डे।